हेलो गाइस, आज मेरे पास आई है रॉक हॉबी की तरफ से आने वाली मैग्नम आरसी कार। आज इसको चलाने के लिए मैंने एक सेपरेटली ट्रैक बनाया है, उसके ऊपर आज इसको टेस्ट करने वाला हूँ। पिछली बार जब मैंने ट्रैक बनाया था वो ट्रैक आप लोगों को काफी बढ़िया लगा था, तो आज पार्ट टू वाला ट्रैक भी मैंने बना दिया है। वो ट्रैक पिछले वाले ट्रैक से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलो वो पहले ट्रैक बताता हूँ मैं आपको। ये ट्रैक मेरे को बनाने के लिए टोटल 3 घंटे का समय लगा है। ट्रैक की शुरुआत होती है यहां से। ये फोम लगा हुआ है, बहुत ज्यादा शार्प है, देख रहे हो गाइस। यहां से अपनी कार आएगी यहां पे। ये छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स हैं, इस तरफ भी स्पीड ब्रेकर है, इस तरफ भी स्पीड ब्रेकर है। कार को काफी ज्यादा मुश्किल है यहां पे होने वाली है। उसके बाद हमारी कार आएगी ये बड़े से स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर। देखो यहां पे टोटल 10 स्पीड ब्रेकर्स है। उसके बाद कार यहां से टर्न लेगी, फिर ये 70 डिग्री की चढ़ाई करेगी। हमारी कार यहां पे ऊपर की तरफ ये टेबल के ऊपर आएगी। उसके बाद कार को उतरना पड़ेगा नीचे। यहां पे भी इनक्लाइन है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्लोप है गाइस। यहां से कार नीचे उतर के आएगी ये बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर। पत्थरों के ऊपर से कार निकलने के बाद आएगी ये कैंस के ऊपर। कैंस के ऊपर से यहां पे चढ़ाई करेगी कार। यहां पे देख रहे हो गाइस, इस तरीके का डिजाइन बना हुआ है। तो कार के टायर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, वरना कार यहां से पलट के नीचे भी गिर सकती है। उसके बाद कार आएगी हमारी माशीगन के डिब्बे के ऊपर। डिब्बे के ऊपर मैंने बनाया है एक ब्रिज। अगर यहां से कार पलटेगी तो सीधा पानी के अंदर गिरेगी। इसका मतलब यह है कि कार का काम तमाम हो जाएगा गाइस पूरी तरीके से। अगर कार बचेगी तो यहां से आकर यहां पे एक टर्न लेगी, फिर यहां पे देखो एक स्लोप है। स्लोप के ऊपर से निकलने के बाद कार आएगी यहां पे। काफी बड़े बड़े टायर्स मैंने रख दिए हैं। यहां पे सबसे खतरनाक वाली चीज है गाइस, ये देख रहे हो, ये इस तरीके की टिल्ट है। टिल्ट के ऊपर स्पीड ब्रेकर्स है। कार को यहां से निकलकर यहां पर आना होगा। इसका मतलब जो भी कार ये ट्रैक को पार करेगी वो होगी यहां पे विनर। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके साथ मैं आज रेस कराने वाला हूं और फाइट कराने वाला हूं बहुत सारी आरसी कार्स। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी कार्स है पर ये उन सब में स्पेशल है। मेरे पास बड़ी वाली डिफेंडर भी है, ये छोटी वाली डिफेंडर है। इसका नाम है TRX 4M। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करने वाला हूं मैं। बॉक्स काफी मस्त है। यहां से ये बॉक्स जो है ओपन हो जाता है। वापस से देखो इस तरीके का डिब्बा दिया गया है, मस्त क्वालिटी का यार। अगर ये डिब्बे को आप फेंक भी देते हो तो कार अंदर की बिल्कुल भी टूटेगी फूटेगी नहीं। अब इसको मैं यहां से ओपन करने वाला हूं। ओ माय गॉड, कार का कलर देखो यार, काफी ज्यादा प्यारा है। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है, रिमोट की क्वालिटी एक नंबर दी गई है भाई साहब। रिमोट के अंदर यहां पे और यहां पे इस तरीके की लाइट्स वगैरह दी गई है। यहां पे बहुत सारे कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं ये कार को चलाने के लिए। अब निकालते हैं कार को। ओ भाई साहब, इतनी कमाल की कार मैंने आज से पहले बिल्कुल भी नहीं देखी है। एकदम क्लासिक मॉडल है, फोर्ड की इस तरह की कार पहले आया करती थी, तो ये क्लासिक मॉडल है। तो इस वजह से अब ये कार्स बिल्कुल भी नहीं मिलती है। यहाँ पे सामने की तरफ इस तरीके की ग्रिल्स दी गई है, ये इसकी हेडलाइट है। बम्पर भी देखो यार, पूरा का पूरा क्रोम का दिया गया है। यहाँ पे इसकी विंडशील्ड है, इसके ऊपर एक पन्नी है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे वाइपर्स वगैरह है और ये देख रहे हो ये इसके साइड मिरर्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। ओवरऑल दिखने में कार बहुत ही तगड़ी है। पीछे की तरफ गुड्स वगैरह कैरी करने के लिए थोड़ा सा एरिया भी दिया गया है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से एक क्लासिक ट्रक भी बोल सकते हो। पीछे यहाँ पे बम्पर है, ये इसकी टेल लाइट है और ये प्रॉपर तरीके से काम भी करती है। नीचे की तरफ ये इस तरीके की दिखाई दे रही है। शाफ्ट इसका कंप्लीटली मेटल का बना हुआ है। ये इसके टायर्स है। अरे बाप रे गाइस, टायर्स देखो कितने ज्यादा स्मूथ है यार इसके। यहाँ पे इसके ऊपर अच्छी खासी ग्रिप दी गई है। मेरे को लगता है आज मैंने जो ट्रैक बनाया है वो ट्रैक के ऊपर ये काफी आराम से चलेगी। तो अब इसका इंजन बे खोलते हैं। यहाँ पे इसके सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे हम लोगों को बैटरी लगानी पड़ती है। यहाँ पे बहुत सारे सर्किट्स वगैरह आपको दिखाई देंगे। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा मस्त है। इसके साथ और बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे कि ये मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका चार्जर है, स्पैनर है और ये इसकी बैटरी है। देखो जितने भी रॉक हॉबी के जो आरसी क्रॉलर्स होते हैं उसके अंदर इसी तरीके की बैटरी मिलती है। 7.4 वोल्ट 380 mAh की बैटरी दी गई है। अब इसकी बैटरी को कनेक्ट करते हैं यहाँ से, ये काफ़ी आराम से कनेक्ट हो जाएगी। ये चीज़ इसकी मेरे को काफ़ी सही लगी यार, बैटरी यहाँ पे सेफली अंदर चली जाएगी। अब इसको हम लोग इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं। अब TRX 4M डिफेंडर को मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ये कार ऑफ रोड में चलाने के लिए ही बनाई गई है और ये बहुत ज़्यादा कैपेबल भी है।
ये इसकी यूजर गाइड है, तो इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे हमारी कार, यहाँ पे रिमोट, यहाँ पे बैटरी। तो पहले मैं कार निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ओह माय गॉड, पूरी की पूरी डिफेंडर जैसी दिखाई दे रही है। मेरे पास जो बड़ी वाली डिफेंडर है वो रेड कलर की है, पर इसका कलर काफी ज्यादा डिफरेंट है। कार का साइज देखो, रिमोट का साइज देखो, कार से तो ज्यादा यहाँ पे रिमोट बड़ा लग रहा है मेरे को। अब इसके अंदर है इसकी 750 mAh की बैटरी, और यहीं पे इसका चार्जर भी दिया गया है, साथ में स्पैनर भी है। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑफ रोडर्स हैं, जैसे कि ये दोनों कार्स भी आप देख सकते हो, ऑफ रोड में बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं। D90 मॉडल है ये, मिलिट्री लैंड रोवर आप इसे बोल सकते हो, ये भी मिलिट्री से रिलेटेड कार है। ये एक ग्लेशियर कार है, ये भी रॉक हॉबी का ही कार है, दिखने में भाई काफी तगड़ी नजर आती है। साथ में सबसे महंगी डिफेंडर को भी मैंने ले लिया है, देखते हैं आज डिफेंडर को कौन हराता है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मैं मैग्नम को चलाने वाला हूं, इसको मैंने यहां पे रख दिया है, देखते हैं क्या मैग्नम पूरे ट्रैक पे से निकल पाएगी या फिर नहीं। ओके, कार यहां से चढ़ाई कर चुकी है। ओ भाई, इसका सस्पेंशन टेस्ट यहां पे हो रहा है, यहां से मैं इसको टर्न कर लेता हूं। अब देखो गाइस, काफी खतरनाक सी चीज आने वाली है इसके सामने। ओए, सामने का टायर चढ़ चुका है। ओह, कार देखो यार, पूरा झूला मार रही है यहाँ पे। अब इसके सामने बड़े बड़े सस्पेंशन आ चुके हैं। अरे चढ़ जा, ये चढ़ चुकी है। ओए, कितनी मस्त तरीके से चढ़ रही है यार। देखो इसकी चासिस नीचे रगड़ खा रही है, यहाँ पे फंसते फंसते रह चुकी है। ओके, निकल चुकी है। अब इसको ऊपर चढ़ाते हैं यहाँ से। अरे यार, ये तो बार बार फिसल के नीचे आ रही है। ओके, अरे बाप रे गाइस, देख रहे हो कार कितनी मस्त तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रही है। यहाँ से देखते हैं निकलेगी या फिर नहीं। ओ भाई साहब, यहाँ से भी ये निकल चुकी है। ठीक है, मैग्नम कार को ये टेबल के ऊपर ही रोकेंगे, इसके पीछे पीछे अब मैं RC मिलिट्री कार को चलाने वाला हूँ। यहाँ से इसको मैंने चढ़ा दिया है। अरे यार, ये कार का भी साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। अब स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकालते हैं। सस्पेंशन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर के ऊपर से ये बहुत ज्यादा जंप लगा रही है। अब इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई साहब, देखो ये स्पीड ब्रेकर्स दिखने में बड़े ही सिंपल दिख रहे हैं, पर ये स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से कार आप रिवर्स चलाओगे या फिर थोड़ा भी बैलेंस खराब होगा तो कार इस तरीके से पलट भी सकती है। अब ये तीसरी वाली कार आ चुकी है, देखते हैं टेबल के ऊपर तक भी पहुंचेगी या फिर नहीं। ब्रेकर्स के ऊपर से भी निकल चुकी है, बड़े स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर काफी ज्यादा इसको दिक्कत हो रही थी। तो अब इसको देखते हैं ऊपर चढ़ा के, ये ऊपर चढ़ेगी या फिर यहीं पे ही फंस के रह जाएगी। ओए, इसको ग्रिप नहीं मिल रही थी गाइस, ये पलट के नीचे आ चुकी है। इसके ऊपर ग्रिप अच्छी नहीं होने के कारण कार फिसल के इस तरीके से पलट चुकी है यहाँ पे। अब ग्लेशियर ट्रक को मैं टेस्ट करने वाला हूँ। फोम के ऊपर से काफी स्पीड से निकल चुकी है, स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्पीड से निकल चुकी है, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से जंप मारती हुई कार निकल चुकी है। अब इसको ऊपर मैं चढ़ाने वाला हूँ, देखते हैं गाइस ये ऊपर चढ़ेगी या फिर नहीं। काफी स्मूथली यहाँ पे इसने चढ़ाई कर दी है, पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के कारण यहाँ पर ये फंस गई थी। यहाँ से भी ये निकल चुकी है यार, थोड़ा सा रिवर्स लेने के बाद। अब देखते हैं इसके अंदर हिल डिसेंट कंट्रोल है या फिर नहीं। मेरे को लग रहा है गाइस है। देखो कार यहाँ पर आकर स्टॉप हो चुकी है। अब मैं इसको धीरे धीरे करके नीचे लेके जाने वाला हूँ। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा स्मूथली इसका हिल डिसेंट कंट्रोल काम कर रहा है। अब पत्थरों के ऊपर ये आ चुकी है, पत्थरों के ऊपर से बहुत ज्यादा स्मूथली निकल चुकी है। कैंस के ऊपर आ चुकी है, कैंस के ऊपर से तो काफी सही तरीके से चढ़ चुकी है। अब देखते हैं गाइस यहाँ से चढ़ के निकलेगी या फिर नहीं। अरे बाप रे, ये तो निकल गई यार। ओहो भाई साहब, गिर ना जाए कहीं। मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेता हूँ अभी। ओहो, सामने के टायर पूरे के पूरे इसके नीचे उतर चुके हैं। अब देखो गाइस, मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरफ टर्न करके मैंने रिवर्स ले लिया है और ये रिवर्स आ चुकी है। तो यार, दिल अभी अभी धक धक करने लग रहा है। इसको मैं ब्रिज के ऊपर धीरे धीरे से चढ़ाऊंगा। ओए, ये देखो यार, एक टायर इसका ब्रिज के ऊपर से नीचे उतर चुका है। तो थोड़ा सा मैं रिवर्स करने की इसको कोशिश करता हूँ, देखते हैं रिवर्स आएगी या फिर नहीं। अरे बाप रे, टायर के ऊपर थोड़ा सा ग्रिप मिलने चाहिए, फिर ये आगे बढ़ जाएगी मेरे को ऐसा। ठीक है, ये ग्लेशियर कार को यहीं पे ही छोड़ते हैं, इसके पीछे पीछे अब मैं मैग्नम को चलाने वाला। अब ये स्लोप के ऊपर आकर कार अपने आप रुक चुकी है, इसके अंदर हिल डिसेंट कंट्रोल भी दिया गया है। अब इसको मैं धीरे धीरे नीचे उतारने वाला हूँ। अरे बाप रे, अब यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर आ चुके हैं, देखते हैं पत्थरों पे से निकलेगी या फिर नहीं। काफी आराम से निकल चुकी है। अब कैंस के ऊपर आकर थोड़ा सा ये रुक चुकी है, इसको सही तरीके से मैं बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ पे फिसलने का मतलब है कार सीधा बाहर हो जाएगी। हर एक कार को आज मैं सिर्फ एक चांस देने वाला हूँ, देखते हैं यहाँ से ये चढ़ेगी या फिर नहीं। काफी आराम से ऊपर की तरफ जा रही है मैग्नम RC कार, और
थार के डिब्बे के ऊपर इसने चढ़ाई कर दी है। अभी मैग्नम आरसी कार को यहीं पे रुकना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे ये ग्लेशियर खड़ी हुई है। ओए गाइस, ये ब्रिज पे गिरते गिरते रह गए यार। मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, मेरे को तो अभी डर लगने लगा है। अगर ये पानी में गिरी, ओ भाई साहब, ये कार की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो यार इसको मैं यहाँ से लेके जाने वाला हूँ, कहीं इसकी बैटरी ना ब्लास्ट हो जाए। वापस से एक और ब्रिज को मैंने बना दिया है, अब मैग्नम को चलाते हैं इसके ऊपर से। ब्रिज के ऊपर से नीचे गिरने का मतलब है कार का काम तमाम। देखो ब्रिज के ऊपर से भी काफी आराम से ये चढ़ रही है यार। धीरे धीरे से मैं चढ़ाऊंगा इसको, कहीं ये बकेट के अंदर ना गिर जाए। ओके, ये डिब्बे के ऊपर भी इसने चढ़ाई कर दी है। अब इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स लेके वापस से नीचे उतारने वाला हूँ। अब इसके सामने बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है दोस्तों। थोड़ा सा मैं इसको वापस रिवर्स कर देता हूँ। अब यहाँ से इसको नीचे उतरना होगा। मेरे को लगता है ये मैग्नम आरसी कार को टक्कर देने के लिए मेरे को डिफेंडर की कॉपी लानी पड़ेगी। चढ़ रही है पर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। ओ माय गॉड, ये ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ पर फंस चुकी है। इसका शाफ्ट यहाँ पे टकरा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके यार चढ़ाने ही वाला था, पर ये फिसल के नीचे की तरफ आ रही है। ये पूरी कोशिश कर रही है ऊपर चढ़ने के लिए। ओ भाई साहब, चढ़ गई यार। अब इसको एक काम करते हैं, नीचे उतारते हैं, देखते हैं इसके अंदर हिल डिसेंट कंट्रोल है या फिर नहीं। ओके, अब स्लोप के ऊपर से मैं इसको नीचे उतारने वाला हूँ। स्लोप के ऊपर आ चुकी है गाड़ी। ओ भाई साहब, इसके अंदर हिल डिसेंट कंट्रोल नहीं दिया गया है। मैं इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था पर ये स्लोप के ऊपर से नीचे आके पत्थरों से टकरा कर इस तरफ गिर चुकी है। इसका मतलब इसको मैंने सिर्फ एक चांस दिया था, ये चांस इसका खत्म हो चुका है। अब इसको हटाते हैं साइड में। अब मैदान में आ चुकी है ट्रैक्सस डिफेंडर मिनी। देखते हैं गाइस क्या ये मैग्नम आरसी कार तक पहुंचेगी या फिर नहीं। अब इसके सामने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स आ चुके हैं। ओ भाई देख रहे हो कितनी स्मूथली ये चल रही है यार। ओहो, यहां से भी इसने काफी आराम से चढ़ाई कर ली है यार। इसका साइज काफी ज्यादा कमाल का मेरे को लगा है। इस वजह से गाइस ये कार एक नंबर है भाई साहब। इस वजह से इसका प्राइस भी ज्यादा ही है। इसके अंदर भी हिल डिसेंट कंट्रोल दिया गया है। कार देखो अपने आप यहाँ पे रुकी हुई है। अब इसको सीधा मैं नीचे लेके जाने वाला हूँ। अब पत्थरों के ऊपर से चढ़ाई करने वाली है ये कार। ओके, यहाँ से भी चढ़ चुकी है, यहाँ पे भी इसने काफी आराम से चढ़ाई कर ली है। अब ये थार के डिब्बे के ऊपर आ चुकी है। अब इसको ब्रिज के ऊपर से चढ़ना पड़ेगा गाइज। ये सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है यार, ये ब्रिज बहुत ही ज्यादा झूलता है जैसे ही इसके ऊपर कार चलेगी। ये देखो, ओहो ब्रिज पूरा नीचे की तरफ दब गया था। ब्रिज के ऊपर से भी इसने काफी सही तरीके से चढ़ाई कर ली है। डिफेंडर के सामने मैग्नम आरसी कार खड़ी है। पहले मैग्नम को चलाते हैं, उसके पीछे पीछे डिफेंडर मिनी को भी चलाते हैं। यार टायरों के ऊपर इसको थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, काफी आराम से निकल चुकी है। ये सबसे खतरनाक रास्ता है गाइस, यहाँ पे बहुत सारी कार्स पलट चुकी है। अरे यार कहीं ये भी पलट ना जाए। देखो कितने खतरनाक से स्पीड ब्रेकर्स है। ऑलमोस्ट कार यहाँ से निकल चुकी है भाई साहब, मजा आ गया। तो ये कार की ग्राउंड क्लीयरेंस कम होने के बावजूद भी इतनी अच्छी तरीके से ट्रैक के ऊपर चलेगी, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अब ट्रैक्सस मिनी डिफेंडर की बारी है। यहाँ से भी ये काफी इजिली नीचे की तरफ आ चुकी है और टायर्स के ऊपर से भी काफी इजिली निकलने ही वाली थी गाइस, पर यहाँ पे टायर ने इसको जकड़ लिया है पूरी तरीके से। मैं अब रिवर्स लेने वाला हूँ इसको। ओके, रिवर्स आ चुकी है, वापस से यहाँ पे फंस गई थी। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ से निकालने वाला हूँ। अब इसके सामने आ चुके हैं बहुत ही खतरनाक वाले स्पीड ब्रेकर्स। इसके भी ऊपर से भाई इसने कर लिया यार। ओ माय गॉड, नो डाउट दोनों ही कार्स ट्रैक के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे। अब इन दोनों के बीच में टक्कर करा के देखते हैं दोनों में से किसके अंदर सबसे ज्यादा पावर है। टक्कर हो चुकी है। टैक्सस डिफेंडर ने इसके ऊपर चढ़ाई कर दी थी पूरी तरीके से, पर मैग्नम आरसी कार ने इसको धक्का मार के नीचे पलट के रख दिया है। ओ माय गॉड, क्लियरली यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नम आरसी कार है। इसने तो यार इससे ज्यादा महंगी वाली आरसी कार को हरा के रख दिया है। तो गाइस फाइनली ये दोनों ही कार्स मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट बन चुकी है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको टैक्सस डिफेंडर मिनी अच्छी लगी या फिर मैग्नम आरसी कार अच्छी लगी। चलो गाइस अभी मैं देने वाला हूं शाउट आउट। पहला नाम है अभय, रणवीर, वसीम, हरमीत, डेविड, अनमोल, केशव, प्रीतेश, उत्कर्ष, अनिंदिया। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।